गाजियाबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। गाजियाबाद पुलिस को 26 अक्टूबर से लापता हुए कारोबारी पराग घोष का पता चल गया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद कोलकाता के एक होटल से कारोबारी पराग घोष को खोज निकाला, लेकिन मामला काफी पेचीदा निकला। बताया जा रहा है कि पराग खुद ही घर से गायब हुए थे। देखिए क्या कहना है गाजियाबाद पुलिस का। 28 अक्टूबर के प्रातः काल में श्रीमती ऋचा घोष ने पुलिस को अवगत कराया कि उनके पति पराग घोष लगभग एक दिन पहले घर से निकले थे। अपनी हुंडई एक्सेंट कार में यूपी 16AB5897, हाइट लगभग 5 फुट 10 इंच, वेट 85 से 90 kg और एज 46 ईयर्स, और ये 24 घंटे के बाद भी अपने घर नहीं पहुंचे थे। इस संबंध में पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसमें 5 से अधिक टीमें लगाई गई, 100 से अधिक पुलिसकर्मी इसमें लगाए गए थे। ये पाया गया कि इनका व्यापार फूड कोर्ट से संबंधित, ग्रॉसरी स्टोर से संबंधित रहा है। लगभग 5 राज्यों में इनके बारे में जानकारी की गई, विभिन्न माध्यमों से जानकारी की गई। 500 से अधिक CCTV फुटेजेस खंगाले गए, जिसमें ये स्वच्छंद रूप से दिल्ली की तरफ जाते हुए पाए गए थे। उसके बाद जो हमने 500 से अधिक कॉल डिटेल्स भी खंगाली गई, और इसमें पुलिस को एक जो जानकारियाँ मिली उसके हिसाब से इनका पंजाब और हिमाचल की तरफ मूवमेंट पुलिस को ज्ञात हुआ था। और इस संबंध में जब और जानकारी की गई तो कल इनका ये पाया गया कि वहाँ हिमाचल से भी कोलकाता मूव कर गए हैं। मामले की नज़ाकत को देखते हुए रात में ही फ्लाइट द्वारा पुलिस की टीम रवाना की गई थी, और आज सुबह इनको सकुशल कोलकाता से रिकवर कर लिया गया है। प्राथमिक पूछताछ में इन्होंने अपनी कुशलता प्रकट की है और ये बताया है कि अपनी इच्छा से ही जो है इस तरह से इतने दिन विचरण कर रहे थे, और साथ ही इन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्थिति का भी हवाला दिया है। अभी इनसे पूछताछ आगे जारी है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है। परिजन दरअसल 26 अक्टूबर से पराग घोष अपने घर से लापता हुए थे। उनकी पत्नी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी और तभी से पुलिस पराग घोष को ढूंढ रही थी। इस दौरान करीब 500 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले गए, तो वहीं 500 से ज्यादा ही कॉल डिटेल्स का विश्लेषण भी किया गया, जिसके बाद ये सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि पराग घोष फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने घर से दूर जाने का फैसला लिया। बता दें, इस मामले में यूपी पुलिस की 5 से ज्यादा टीमें और 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने काम किया है। वहीं पराग के घर वालों ने एक वीडियो जारी कर गाजियाबाद पुलिस का शुक्रिया अदा किया है। फिलहाल पुलिस पराग से पूछताछ कर रही है कि आखिर उन्होंने ये कदम क्यों उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप, दिल्ली।